इमेजेस मिडजर्नी या डाली से नहीं बने। मिडजर्नी AI इमेज जनरेटर जो कि अब बिल्कुल पेड हो चुका है और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 AI इमेज जनरेटर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है और इससे आप मिडजर्नी से भी बेहतर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको डेस्कटॉप में करके दिखाऊंगा जो कि आप अपने फोन में इजीली कर सकते हैं। freeimage.ai ये एक 100% फ्री इमेज जनरेटर टूल है जिसका की इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर जस्ट आपको आपका प्रॉम्प्ट डालना है, उसके बाद नीचे आपको इमेज का साइज सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट आपको जनरेट पर क्लिक करना तो है। ये आपको एक बहुत ही अमेजिंग इमेज जनरेट करके देगा जिसके ऊपर आप होवर करने के बाद इमेज को व्यू कर सकते हैं या इसको यहाँ पर साइड में डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते। इसको इस लिस्ट में मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 100% फ्री है और ये जो इमेज जनरेट करता है वो एकदम परफेक्ट जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसके जैसा करता है। नाइट कैफे भी एक बहुत ही अमेजिंग AI आर्ट जनरेटर है। इसको यूज करने के लिए आपको आना है creator.nightcafe.studio पर। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है तो ये आपको इसका डैशबोर्ड में ले जाएगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपका प्रॉम्प्ट देना है। नीचे आप यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स जो है उनका चेंज कर सकते हैं। थोड़ा नीचे जाकर आपको यहाँ पर क्रिएट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना पड़ता है तो आपका इमेज ऐसे जनरेट होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं जिससे कि आप अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर गेट क्रेडिट्स पर क्लिक करके आप पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर एड्स देखने को मिलते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको आना है bluewilio.ai पर और आपको यहाँ पर ज्वाइन द फ्री बेटा पर क्लिक करना है तो ये आपको discord.com पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट इनवाइट करना है। अगर आपका यहाँ पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो सही है, वरना आपको यहाँ पर एक अकाउंट बना लेना है। bluewilio को डिस्कॉर्ड में मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज जनरेट करने के लिए किसी भी रूटकी पर आना है। नीचे मैसेज पर /imagine प्रॉम्प्ट देने के बाद आपका जो प्रॉम्प्ट है वो लिखना है और एंटर पर प्रेस कर देना है तो ये आपको आपके प्रॉम्प्ट के अनुसार वो इमेजेस जनरेट करके देगा। Leonardo AI इसमें आपको डेली 150 टोकन्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं जिन पर क्लिक करके आप इनके जैसा ही इमेज बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर खुद इमेज जनरेट करना है तो आप यहाँ पर AI इमेज जनरेशन पर क्लिक कर सकते हैं। Leonardo AI पर आपको साइन अप कर लेना है। इसका साइन अप प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसलिए आप AIAMG.com पर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जहाँ पर कि मैंने बताया है कि आप कैसे Leonardo AI पर साइन अप कर सकते हैं। Leonardo AI का जो डैशबोर्ड है इमेज जनरेशन का वो कुछ ऐसा है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है अपना, उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपना जो मॉडल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साइड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर आप अपना खुद का एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद जेनरेट पर क्लिक करना, पर क्लिक करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर जेनरेट हो जाएगा जिसके ऊपर होवर करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। मैंने आपको अभी जितने भी AI के बारे में बताए उनमें से ये बेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो सर्च का और दूसरा आपको यहाँ पर खुद जेनरेट कर सकते। यहाँ पर इमेज सर्च करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है और सर्च पर क्लिक करना है तो ये आपको वो सारे रिजल्ट्स दिखा देगा। ऐसे खुद जेनरेट करने के लिए जेनरेट पर क्लिक करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर नया एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जहाँ पर पहले आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इमेज जेनरेट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट एरिया पर प्रॉम्प्ट देना है। आप चाहे तो यहाँ पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको जेनरेट पर क्लिक करना है तो आपके जो इमेजेस है वो यहाँ पर जेनरेट होकर आ जाएंगे। इसके ऊपर होवर करके आप यहाँ पर इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 मिडजर्नी के अल्टरनेटिव्स जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है तो मेरे ख्याल से lexica.art ये इनमें से बेहतर होगा क्योंकि ये इजी टू एक्सेस है और इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो। अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग और AI रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए फ्यूचर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।